बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये तोरण डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बनाएँ। इस तरह से बना है, बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए तोरण पट्टी का डिज़ाइन इस तरह से है। तो इसको हम बना के पहले से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें कि किस तरह से हम बनाए हैं। तो यहाँ सबसे पहले गांठ लगा लें, उसके बाद में एक और दो डबल क्रोशिया का लाइन छोड़ दें। तीसरे वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ कर, और यहाँ तीन चेन लेंगे। इस तरह तीन चेन लेकर एक दो, इस तरह से बना लें। फिर एक चेन, और इसी में इसी लुक में फिर से बनाएं एक दो, फिर पूरा फंदा गिरा के इस तरह से बंद कर दें। फिर एक चेन ले, ये तीन बार हो गया है, दो एक चैन। इसी तरह से हम सात बार करेंगे, एक चैन फिर दो, इस तरह से ये छह हो गया है। इस तरह से, तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ चैन नहीं लेंगे, और ये एक इसमें हम बना लिए हैं, तो एक दो ये लेंगे। फिर से यहाँ उसी तरह से बनाएंगे इस तरह, एक चैन एक लूप में सात बार हम बनाएंगे इसी तरह, एक चैन फिर से, फिर दो बार फंदा लेंगे, इसी तरह से हम फिर ये दो छोड़ेंगे और यहाँ बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो ऊन है ये थ्री प्लाई का है, आप लोग टू प्लाई का भी बना सकते हैं। फोर प्लाई का बहुत मोटा और भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थ्री प्लाई या टू प्लाई ही सही रहेगा। तो देखिए इस तरह से बना है, देखिए इस तरह से ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है। और इसको यहाँ अब हम काट देंगे। अब दूसरे वाले राउंड में हम ये रेड कलर का ऊन लगाएंगे। और यहाँ हम ये वाले लुक में हम इसको जोड़ देंगे इस तरह सिंगल क्रोशिया से, और यहाँ तीन चेन लेंगे। और ये पहले वाले लूप में हम इस तरह से फंदा लेंगे, एक दो तीन, तो नीचे दो दो बार लिए थे, ऊपर हम तीन बार लेंगे। अब दूसरे वाले लूप में हम लेंगे, एक दो तीन, अब इसमें तीसरे वाले में एक दो तीन, फिर चौथे एक दो तीन, तीन तीन बार लेना है, एक दो तीन, एक दो तीन,
देखिए इतना सारा फंदा हो गया है। अब हम सारे फंदे को हम एक साथ इस तरह से सारा फंदा एक साथ इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ इस तरह से लॉक करके इस तरह से बंद कर देंगे। अभी हम दो चैन लेंगे, एक दो, और जो यहाँ है ये वाला है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर दो चैन, दो चैन के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, एक ही लूप में दो बार दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन लेंगे और ये पहला वाला लूप है इसमें हम जिस तरह से यहाँ किए थे इस तरह से करेंगे, एक दो तीन बार हो गया, फिर एक दो तीन, 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 सारा फंदा एक साथ इस तरह से उसको बंद कर देना है इस तरह से, फिर दो चैन और यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर दो चैन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर दो चैन, दो चैन के बाद फिर उसी तरह से हम इसमें बनाएंगे, इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से, और इस तरह से इधर ऐसा बना है एकदम से कटोरा की तरह है, ये देखिए। और इधर से इस तरह से है एकदम से स्ट्रॉबेरी के जैसा है। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बना लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, पहला ख़त्म हो गया है। देखिए कितना प्यारा ये बन गया है, देखो कितना बना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस बना है। अब हम इसको दो भाग कर लेंगे, पहले यहाँ आधा बना लेंगे, ये पहले आधा बनाएंगे उसके बाद में इधर का आधा बनाएंगे। तो आप लोग देखें किस तरह से हम बना रहे हैं। ये वाला ये जो है ये मैं छोड़ दूंगी और यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह, फिर एक दो तीन चैन लेंगे, उसके बाद में फिर हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम नीचे बनाए थे, एक दो और इस तरह से, फिर एक चैन और एक ही लूप में बनाना है, एक दो तीन, दो ही बनाना है, एक चैन एक दो, एक चैन एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात हो गया है। देखिए इस तरह से ये किनारे का छूट जाएगा और यहाँ चैन नहीं लेंगे। अब यहाँ हम बनाएंगे ये वाला जो है
इस तरह एक दो, इस तरह से एक चैन, देखिए इस तरह से ही बनेगा। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं। आधा 27 है, तो आधा ही हम बनाएंगे। देखिए ये आधा हमने बना लिया है, यहाँ 27 था पूरे, ये जो कंप्लीट हुआ है ये 27 था, और ये आधे हाथ पे कर दिए हैं, तो ये 13 हुआ है, 13 हमने बना लिया है। और जब ये बनाएंगे और इधर का बनाएंगे, ये बीच का छूट जाएगा और एक एक करके किनारे किनारे का दोनों तरफ का छूटते हुए जाएगा, जैसे 13 है 13 से एक होगा आखिरी पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी गांठ लगा के एक बार हम फिर से बना के दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ ये बना है स्ट्रॉबेरी। पहले लूप में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह गांठ लगा के, फिर 3 चैन लेंगे और यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर इसमें 1 2 3, 1 2 3, फिर इसमें 1 2 3, 1 2 3। अभी ये जो फंदा है एक साथ हम सब गिरा देंगे इस तरह और इसको बंद कर देंगे इस तरह। देखिए ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ फिर हम 2 चैन लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और 2 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर 2 चैन लेकर फिर हम यहाँ बनाएंगे। इस तरह से ये बना है, इसी तरह से ये भी बनाएंगे। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कि किस तरह से हम बनाए हैं। तो इस तरह से ही कंप्लीट हो गया है। देखिए एक एक करके करते हुए यहाँ 1 हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। और अभी आधा है, तो यहाँ मैं देखिए इस तरह से ये है। इस तरह से गांठ लगा कर और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूंगी। देखिए ये वाला छूट जाएगा और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया से जोड़कर 3 चैन लेंगे, एक चैन, 2 बार फंदा लेंगे,
इस तरह से। और यहाँ चैन नहीं लेंगे, यहाँ बनाएंगे। इस तरह से ये 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 है, ये छूट गया है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर बनाए हैं इसी तरह से ये भी बनेगा। तो बना लेते हैं इसी तरह से। इस तरह से हमने बना लिया है, दोनों तरफ का हो गया है। अभी हम जलेबी बनाने के लिए चैन बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे। और यहाँ ये जो ये है रेड वाला चैन, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से बना है, इसी में हम गुच्छा लगाएंगे झालर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 यहाँ जोड़ेंगे। तो इसी तरह से बना लेंगे पूरे में। फिर किस तरह से झालर लगाना है उसको दिखाएंगे। किनारे किनारे हमने चैन बना लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ ये पकड़ के इस तरह चारों होंगे में इस तरह फंसा के पकड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ये 16 बार हुआ है। इस तरह से काट के और इसी में हम बराबर करके इस तरह से, और ये जो है इसी से हम इस तरह से फंसा फंसा के इस तरह से बांध देंगे जोर से। इस तरह से फिर इस तरह से
तीन बार हो गया। इसी तरह से हम बांध देंगे पूरे में। और ये जो घटा बढ़ा है इस तरह से हम इसको बराबर से इस तरह काट देंगे। इस तरह से ये पूरे में लगेगा। इसी तरह से हम पूरा लगा लेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखें पूरी वीडियो हम बनाएं इस तरह से। देखिए इस तरह से ही बनके तैयार हुआ है। तो देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बनाएं। और अभी तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।